ये भैया भारत में आज विशेषताएं आ रही है। मुझे प्रसन्नता है कि पूरे देश के जो कैटर्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन आज यहाँ पर लखनऊ में अधिवेशन है, जिसमें महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से तमाम लोग आए हुए हैं। निश्चित रूप में कैटरिंग के माध्यम से भी रोजगार बड़े पैमाने पर पूरे देश में दिया जाता है और उत्तर प्रदेश आज कैटरिंग के लिए एक नवोन्मुख जो व्यवसाय का केंद्र बन चुका है और सरकार की भी इसको प्रोत्साहन देने की पूरी कोशिश है। समय समय पर सरकार पर्यटन विभाग के द्वारा कभी आम महोत्सव के माध्यम से, कभी विभिन्न प्रकार के व्यंजन के माध्यम से और कई जगह पे तो फूड कोर्ट्स लगाए हैं सरकार ने उत्तर प्रदेश में, तो व्यंजन एक माध्यम बन सके और सस्ता और एक पौष्टिक व्यंजन उपलब्ध हो सके, इसलिए कैटरिंग एसोसिएशन की बड़ा महत्व है। आज इस एसोसिएशन में पूरे इनके ऑल इंडिया अध्यक्ष भी आए हुए हैं, गुजरात से सोमानी जी और साहनी जी हमारे यहाँ के हैं, अमरनाथ मिश्रा जी हमारे व्यापार मंडल के, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम। थैंक यू जुगल जी, एक ग्रुप करा दीजिए जुगल जी। सबका स्वागत करता हूं। ये हमारी पहली जनरल बॉडी मीटिंग है जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के सारे केटर व्यवसायियों को लेकर साथ चल रहे हैं, एक छत के नीचे इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे जितने भी केटर भाई हैं उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी उनकी जो प्रॉब्लम्स रोजमर्रा की कामों में वो फेस करते हैं, उन समस्याओं को हम की समाधान के लिए हम लोग एकजुट होकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसमें हमारे FAIC से काफ़ी पदाधिकारी आए हुए हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन का एक कार्यक्रम होने जा रहा है जो गुजरात में होगा, जिसमें पूरे देश के 5,000 केटर्स करीब करीब होंगे और इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि पूरी जो हमारी केटरिंग फेडरेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत कार्यक्रम सफल बनाने की तरफ वो अग्रसर है। सर, कैटर्स यूनियन बनाया, किस तरीके से कैटर्स को आप लोग सुविधा दें? देखिए, कैटर्स को जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें कई जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उसमें ये है कि हमारी जो ट्रैफिक की इशू है, हमारे रात बेरात हम लोग हमारा स्टाफ आता है जाता है, उसमें जो ट्रैफिक में नो एंट्री की प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसका हम लोग को मिल के समाधान निकालना है, क्योंकि जो हमें कार्यक्रम समय से पूरा करना है और जो ट्रैफिक के रूल्स हैं वो अपना फॉलो करते हैं उसमें दिक्कत आती है। उसके बाद हमारे पेमेंट के इश्यूज हैं, हमारे जो केटर भाई काम करते हैं वो उनकी पेमेंट समय समय जगह जगह फंस जाती हैं, वो किसी न किसी वजह से फंसती हैं, उसको हम लोग एक तरीके से उसका एक समाधान ढूंढना है जो उनको कम से कम ये दिक्कत फेस हो और हम एक ऐसा प्रोसीजर बनाएं, ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर बनाएं कि जिसमें ये समस्याएं कम से कम आ पाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।